हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट अवर इंग्लिश 2 चैप्टर नंबर 3 से एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, राइट अगेंस्ट ईच एनिमल द नेम ऑफ इट्स यंग वन। यानी एनिमल के यंग वन को, यानी बच्चे को क्या बोलते हैं वो आज हमें सीखना है। आपको ब्रैकेट में दिया है पहले सी यू बी कब, के आई डी कीड, L A M B lamb, F O A L fall, C A L F calf, C U B cub, K I double T E N kitten, P U double P Y puppy। फिर से cub, kid, lamb, fall, calf, cub, kitten, puppy। अब आपको यहाँ पे एनिमल्स के नेम दिए हैं, आपको सामने उनके यंग वन के नेम लिखने हैं। तो फर्स्ट दिया है कैट, कैट के यंग वन को क्या बोलते हैं? यस, किटन। किटन की स्पेलिंग के आई डबल टी ई एन किटन। फिर से कैट के यंग वन को क्या बोलते हैं? किटन, के आई डबल टी ई एन किटन। सेकेंड है काउ, काउ के यंग वन को क्या बोलते हैं? काफ, सी ए एल एफ काफ। काउ के यंग वन को क्या बोलते हैं? सी ए एल एफ काफ। थर्ड नंबर पे दिया है लायन, लायन के यंग वन को क्या बोलते हैं? कब, सी यू बी कब। लायन के यंग वन को क्या बोलते हैं? कब। फोर नंबर पे दिया है गोट, गोट के यंग वन को क्या बोलते हैं? कीड, के आई डी कीड। गोट के यंग वन को क्या बोलते हैं? कीड। नेक्स्ट है टाइगर, टाइगर के यंग वन को क्या बोलते हैं? कब, सी यू बी कब। टाइगर के यंग वन को क्या बोलते हैं? सी यू बी कब। लायन के यंग वन को भी कब बोलते हैं और टाइगर के यंग वन को भी कब ही बोलते हैं। नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स के यंग वन को क्या बोलेंगे अपने? हॉर्स के यंग वन को बोलेंगे फॉल, एफ ओ ए एल फॉल। हॉर्स के यंग वन को क्या बोलेंगे? एफ ओ ए एल फॉल। डॉग के यंग वन को क्या बोलेंगे? पप्पी, पी यू डबल पी वाई पप्पी। डॉग के यंग वन को क्या बोलेंगे? पी यू डबल पी वाई पप्पी। लास्ट है शीप, शीप के यंग वन को क्या बोलेंगे? लैम्ब, एल ए एम बी लैम्ब। शीप के यंग वन को क्या बोलेंगे? लैम्ब। चलो फिर से एक बार देखते हैं, कैट के यंग वन को कीटन, कैट के यंग वन को कीटन। काउ के यंग वन को काफ, काउ के यंग वन को काफ। लायन के यंग वन को कब, लायन के यंग वन को कब। गोट के यंग वन को कीड, गोट के यंग वन को कीड। टाइगर के यंग वन को कब, टाइगर के यंग वन को कब। हॉर्स के यंग वन को फॉल, हॉर्स के यंग वन को फॉल। डॉग के यंग वन को पप्पी, डॉग के यंग वन को पप्पी। शीप के यंग वन को लैम्ब, शीप के यंग वन को लैम्ब। ओके स्टूडेंट्स, हम और एनिमल के यंग वन को क्या बोलते हैं वो देखते हैं। आपको बुक में थोड़े ही दिए थे तो मैंने थोड़े और बनाए हैं। जैसे कि फर्स्ट है बियर, बियर के यंग वन को बोलते हैं सी यू बी कब। बियर के यंग वन को बोलते हैं सी यू बी कब। सेकेंड है चिकन, चिकन के यंग वन को बोलते हैं सी एच आई सी के चिक। चिकन के यंग वन को बोलते हैं चिक। डियर, डियर के यंग वन को बोलते हैं फॉन, एफ ए डब्ल्यू एन फॉन। डक, डक के यंग वन को बोलते हैं डी यू सी के एल आई एन जी डकलिंग। डक के यंग वन को बोलते हैं डकलिंग। गूस, गूस के यंग वन को बोलते हैं गूसलिंग, जी ओ एस एल आई एन जी गूसलिंग। फॉक्स के यंग वन को बोलते हैं कब, फॉक्स के यंग वन को बोलते हैं कब। फिर से एक बार,
बियर के यंग वन को कब, चिकन के यंग वन को चिक, डियर के यंग वन को फॉन, डक के यंग वन को डकलिंग, गूस के यंग वन को गूसलिंग, फॉक्स के यंग वन को कब। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर टू, राइट अगेंस्ट ईच एनिमल द नेम ऑफ इट्स शेल्टर, यानी एनिमल के शेल्टर को क्या बोलते हैं वो हमें लिखना है। तो ब्रैकेट दिए हैं यहाँ पे एस एच ई डी शेड, डी ई एन डैम, एच ओ एल ई होल, पी ई एन पैन, बी यू डबल आर ओ डब्ल्यू बोरो, सी डबल ओ पी को, के ई डबल एन ई एल कैनल, एस टी ए बी एल ई स्टेबल। फिर से एक बार, सेड डैन होल पैन बुरो कुक कैनल स्टेबल। तो आपको यहाँ पे एनिमल्स के नेम दिए हैं, आपको उनके सामने शेल्टर लिखने हैं। तो डॉग, डॉग के शेल्टर को क्या बोलते हैं, यस कैनल बोलते हैं, के ई डबल एन ई एल कैनल। डॉग के शेल्टर को क्या बोलते हैं, कैनल। सेकंड है काउ, काउ के शेल्टर को क्या बोलते हैं, शेड, एस एच ई डी शेड, एस एच ई डी शेड, काउ के शेल्टर को क्या बोलते हैं, शेड। नेक्स्ट है लायन, लायन के शेल्टर को क्या बोलेंगे, डैन, लायन के शेल्टर को डैन, डी ई एन डैन, लायन के शेल्टर को बोलेंगे डैन। नेक्स्ट है माउस, माउस के शेल्टर को क्या बोलेंगे, हॉल, एच ओ एल ई हॉल, माउस के शेल्टर को बोलेंगे एच ओ एल ई हॉल। नेक्स्ट है रैबिट, रैबिट के शेल्टर को क्या बोलेंगे, बूरो, बी यू डबल आर ओ डब्ल्यू बूरो, रैबिट के शेल्टर को क्या बोलेंगे, बी यू डबल आर ओ डब्ल्यू बूरो। नेक्स्ट है हॉर्स, हॉर्स के शेल्टर को क्या बोलेंगे, स्टेबल, एस टी ए बी एल ई, हॉर्स के शेल्टर को क्या बोलेंगे, स्टेबल, एस टी ए बी एल ई। नेक्स्ट है हैन, हैन के शेल्टर को क्या बोलेंगे, कूप, हैन के शेल्टर को क्या बोलेंगे, कूप, सी डबल ओ पी कूप, सी डबल ओ पी कूप। लास्ट है शीप, शीप के शेल्टर को क्या बोलेंगे, यस पैन, पी ई एन पैन, शीप के शेल्टर को क्या बोलेंगे, पैन। फिर से एक बार देखते हैं, डॉग के शेल्टर को बोलेंगे कैनल, डॉग कैनल, काउ के शेल्टर को शेड, काउ के शेल्टर को शेड, लायन के शेल्टर को डैन, लायन के शेल्टर को डैन, माउस के शेल्टर को होल, माउस के शेल्टर को होल, रैबिट के शेल्टर को बूरो, रैबिट के शेल्टर को बूरो, हॉर्स के शेल्टर को स्टेबल, हॉर्स के शेल्टर को स्टेबल, हैन के शेल्टर को कूप, हैन के शेल्टर को कूप, शीप के शेल्टर को पैन, शीप के शेल्टर को पैन। स्टूडेंट्स आपको इनके शेल्टर के नेम और स्पेलिंग दोनों याद रखने हैं, तो आप स्पेलिंग भी लर्न करना। ओके ओके स्टूडेंट्स, अब हम और एनिमल के शेल्टर के नेम्स के बारे में देखते हैं। फर्स्ट है बियर, तो बियर के शेल्टर को क्या बोलते हैं, केव, बियर के शेल्टर को क्या बोलते हैं, सी ए वी ई केव। पिग, पिग के शेल्टर को बोलते हैं पी आई जी एस टी वाई पिगस्टी, पिग के शेल्टर को क्या बोलते हैं, पिगस्टी। बी, बी के शेल्टर को क्या बोलते हैं, हाइव, एच आई वी ई हाइव, बी के शेल्टर को क्या बोलते हैं, हाइव। स्पाइडर, स्पाइडर के शेल्टर को बोलते हैं वेब, स्पाइडर के शेल्टर को बोलते हैं वेब, डब्ल्यू ई बी वेब। टर्टल, टर्टल के शेल्टर को बोलते हैं सी,
टर्टल के शेल्टर को बोलते हैं सी, एस ई ए सी। पीजन, पीजन के शेल्टर को बोलते हैं डव कोट। पीजन के शेल्टर को बोलते हैं डव कोट, डी ओ वी ई सी ओ टी, डव कोट। फिर से एक बार, बियर के शेल्टर को बोलते हैं केव। बियर के शेल्टर को बोलते हैं केव। पीक के शेल्टर को बोलते हैं पिगस्टी। पीक के शेल्टर को बोलते हैं पिगस्टी। बी के शेल्टर को बोलते हैं हाइव। बी के शेल्टर को बोलते हैं हाइव। स्पाइडर के शेल्टर को बोलते हैं वेब। स्पाइडर के शेल्टर को बोलते हैं वेब। टर्टल के शेल्टर को बोलते हैं सी। टर्टल के शेल्टर को बोलते हैं सी। पीजन के शेल्टर को बोलते हैं डव कोट। पीजन के शेल्टर को क्या बोलते हैं? डव कोट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। राइट द नेम ऑफ द प्लेस अगेंस्ट द गिवन डिस्क्रिप्शन। आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है, वो डिस्क्रिप्शन के अगेंस्ट आपको उसके प्लेस लिखना है। तो यहाँ पे ब्रैकेट दिए हैं, ब्रैकेट में फर्स्ट है जेड डबल ओ जू, एम यू एस ई यू एम म्यूजियम, पी ए एल ए सी ई पैलेस, एच ओ एस पी आई टी ए एल हॉस्पिटल, एस टी यू डी आई ओ स्टूडियो। फिर से जू, म्यूजियम, पैलेस, हॉस्पिटल, स्टूडियो। यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन दिया है, फर्स्ट नंबर अ प्लेस फॉर अ एग्जिबिशन ऑफ अ लाइव एनिमल, यानी लाइव एनिमल का जहाँ एग्जिबिशन होता है वो प्लेस को क्या बोलते हैं इसमें से? यस, क्या बोलते हैं? जू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे जू। सेकंड है अ रूम फॉर आर्टिस्ट लाइक फोटोग्राफर्स, पेंटर्स, म्यूजिशियन एक्सेट्रा। फिर से अ रूम फॉर आर्टिस्ट लाइक फोटोग्राफर्स, पेंटर एंड म्यूजिशियंस एक्सेट्रा, यानी ऐसे रूम को क्या बोलते हैं जहाँ पे फोटोग्राफर्स, पेंटर्स और म्यूजिशियंस जैसे आर्टिस्ट होते हैं, तो क्या बोलते हैं? स्टूडियो। यस, तो स्टूडियो, एस टी यू डी आई ओ स्टूडियो। थर्ड नंबर है द रेसिडेंस ऑफ अ किंग एंड हिज फैमिली। फिर से द रेसिडेंस ऑफ अ किंग एंड हिज फैमिली, यानी जहाँ पे किंग और उसकी फैमिली रहते हैं उनके रेसिडेंस को हम क्या बोलेंगे? यस, पैलेस बोलेंगे, पी ए एल ए सी ई पैलेस। फोर नंबर अ प्लेस फॉर एग्जिबिशन हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट, यानी जहाँ पे हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट का एग्जिबिटिंग होता है वो प्लेस को क्या बोलते हैं? यस, म्यूजियम। म्यूजियम की स्पेलिंग एम यू एस ई यू एम म्यूजियम। फाइव नंबर अ प्लेस वर मेडिकल ट्रीटमेंट इज गिवन टू पेशेंट। फिर से अ प्लेस वेयर मेडिकल ट्रीटमेंट इज गिवन टू पेशेंट, ऐसी जगह जहाँ पे पेशेंट को मेडिकल ट्रीटमेंट मिलती है, तो क्या आएगा? यस, हॉस्पिटल। हॉस्पिटल की स्पेलिंग एच ओ एस पी आई टी ए एल हॉस्पिटल। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक और चैप्टर सीखेंगे इजी वाला, वो है चैप्टर नंबर 29 जियोमेट्रिकल फिगर्स। क्या है? जियोमेट्रिकल फिगर्स। लर्न टू रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग जियोमेट्रिकल फिगर्स बाय देयर नेम्स, यानी यहाँ पे जो फिगर दिए हैं उसके नेम और स्पेलिंग सीखेंगे हम। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड में ये फोर शेप्स के नेम सीखे होंगे, आज हम सेकेंड स्टैंडर्ड में ये फोर नए स्टेप सीखेंगे। आपने सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर एंड रेक्टेंगल ये सीखा होगा, आज हम पेंटागॉन, हेक्सागॉन, कोन और सिलेंडर सीखेंगे। फर्स्ट है सर्कल। सर्कल आप सबको पता है, ओके चलो, सी आई आर सी एल ई सर्कल। फिर से सी आई आर सी एल ई सर्कल। नेक्स्ट है पेंटागॉन। पेंटागॉन की फाइव साइड होती है, वन टू थ्री फोर
फाइव, फाइव साइड जिसमें होती है उसे क्या बोलेंगे, पेंटागन, पी ई एन टी ए जी ओ एन, पेंटागन, पी ई एन टी ए जी ओ एन, पेंटागन। नेक्स्ट है ट्राइंगल, ट्राइंगल में थ्री साइड्स होती है, वन टू थ्री, जिसमें थ्री साइड होती है उसे हम क्या बोलेंगे, ट्राइंगल, टी आर आई ए एन जी एल ई, ट्राइंगल, टी आर आई ए एन जी एल ई, ट्राइंगल। उसके बाद है हेक्सागन, हेक्सागन में टोटल सिक्स साइड होती है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, कितनी साइड होती है, सिक्स, जिसमें सिक्स साइड होती है उसे क्या बोलेंगे, हेक्सागन, क्या बोलेंगे, हेक्सागन, एच ई एक्स ए जी ओ एन, हेक्सागन, एच ई एक्स ए जी ओ एन, हेक्सागन। नेक्स्ट है स्क्वायर, स्क्वायर में कितनी साइड होती है, फोर साइड होती है, वन टू थ्री फोर, उसे क्या बोलेंगे, स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर, एस क्यू यू ए आर ई, स्क्वायर। नेक्स्ट है कोन, सी ओ एन ई, कोन, सी ओ एन ई, कोन। उसके बाद है रेक्टेंगल, जिसकी टू साइड सेम होती है, ये वाली टू साइड और ये वाली टू साइड सेम होती है, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल, आर ई सी टी ए एन जी एल ई, रेक्टेंगल। एंड लास्ट है सिलेंडर, क्या है, सिलेंडर, सी वाई एल आई एन डी ई आर, सिलेंडर, सी वाई एल आई एन डी ई आर, सिलेंडर। फिर से एक बार करेंगे, यह है सर्कल, पेंटागॉन, ट्राइंगल, हेक्सागॉन, स्क्वायर, कोन, रेक्टेंगल, सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है, ये सारे फिगर्स आपको और किसी बुक में ड्रॉ करने हैं, इसके स्पेलिंग्स आपको लिख लिख के लर्न करने हैं, और ये शेप्स ड्रॉ करके उसमें आपके चॉइस के कलर्स करने हैं। हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे न्यू चैप्टर्स के साथ, तब तक कीप सेफ।